सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं अपने कल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए। उसमें हमने कल आपको बताया था सजाती और विजाती पर, और हमने हल्का सा चर्चा आपसे किया भी था उसके बारे में, तो थोड़ा सा इसको हम पूरे पूरे समझते हैं। सजाती पर और दूसरा हमारा होता है विजाती पर। हमने कल थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में बात किया था कि सजाती पद क्या होते हैं, विजाती पद क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने बोला था, जैसे हम कहते हैं यक्ष स्क्वायर और यक्ष की बात करते हैं, हम कहते हैं क्या ये दोनों पद, एक पद हमने यहाँ लिख दिया, दूसरा पद हमने यहाँ लिख दिया। और हमने पूछा क्या ये दोनों सजाती पद है या विजाती पद है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, पहले बात समझिए। सजाती पद की पहचान करने के लिए किसी पद में च और उसका घात सेम होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ इसका जो चर या आधार कह रहे हैं, तो आधार यक से घात इसकी दो है। इसमें देखेंगे हम तो इसका आधार हमारा यक से, इसकी घात कितनी, एक है, तो दोनों अलग अलग है, तो ऐसे पद सजाती नहीं होते। अगर हम ऐसे कह दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कह दें, हम कह दें क्या सजाती पद है क्या, तो देखिए इसमें देखिए घात तो दोनों का सेम है, ए भी दो ए भी दो, लेकिन आधार दोनों का अलग अलग है। इसका आधार x, इसका आधार y, जो बेस कहते हैं इस पहले बल्कि अगर समझ लें, अगर बात को कंफर्म करें तो इसे थोड़ा समझें। जैसे a पर घाते b लिखा गया हो, a पर घाते b को में हम a को क्या बोलते हैं, a को आधार कहा जाता है, बेस कहते हैं इसमें से, b को घात या पावर कहते हैं। तो वही बात यहां पर हम कर रहे हैं। यहां पर अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर में देखें तो यह हमारा y का आपका घात तो बराबर है x और y का, लेकिन आधार दोनों बस अलग अलग है, तो ऐसे हमको x स्क्वायर y स्क्वायर को भी हम सजाती नहीं कहेंगे, ऐसे पद विजाती पद कहे जाते हैं। जो पद सजाती नहीं होते उनको क्या कहते हैं, विजाती पद। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए सजाती पद अगर है तो ही आपस में जोड़ उनको जोड़ सकते हैं उन पदों को, या घटा सकते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि x स्क्वायर में आपको y स्क्वायर को जोड़ना है, और देखो ये दोनों अलग अलग पद है, विजाती पद है, सजाती नहीं है। अगर जोड़ने के लिए कहेंगे बस प्लस चिन्ह लगाकर छोड़ देंगे आप, इसमें कुछ नहीं करेंगे आप। और अगर हम ये कहते हैं कि x स्क्वायर में आपको जोड़ना है 2x स्क्वायर को जोड़ना है, अगर जोड़ने के कहेंगे तो प्लस चिन्ह, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर यहाँ पर, 1x स्क्वायर यहाँ पर जोड़ेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। लेकिन इसको नहीं कर सकते, हम कहते हैं x स्क्वायर में y स्क्वायर जोड़ो, ऐसा नहीं कि इसको x स्क्वायर y स्क्वायर लिख देंगे, ये लिखना हमारा गलत है, क्योंकि जोड़ने के लिए कहा आपसे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सजाती और विजाती पदों को ही आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। बल्कि थोड़ा सा इसको हम अदर एग्जांपल से देखें, जैसे हम कहते हैं भाई कि तीन कलम है हमारे पास, और इसमें हम जो है चार कलम और जोड़ रहे हैं, इसमें हम चार कलम को और जोड़ना चाह रहे हैं, मतलब प्लस करना चाह रहे हैं। तो हम यहां से तीन और चार दोनों कलम है, एक ही जाति के, एक ही चीज है, कलम है दोनों, तो हम कहेंगे भाई चार और तीन कितना हुआ आपका, सात कलम कह सकते हैं हम, ये हमारा जुड़ जाए, क्योंकि ये भी कलम की जाति, ये भी कलम, दोनों एक ही चीज है। अगर हम यही प्रश्न ऐसे करते हैं कि तीन कलम में हमको चार जो है किताब को जोड़ने के लिए कहते हो, ऐसा तो नहीं कि हम तीन कलम में चार किताब, तो हम सात कलम तो कह नहीं सकते भाई, दोनों मिलाकर सात हो सकते हैं, हम सात किताब भी नहीं कर सकते। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि कलम और किताब दोनों हमारे क्या अलग अलग जात विजाती हैं पर। तो कहने का मतलब क्या है कि सजाती पदों को ही आपस में जोड़ सकते हैं, जुड़ सकता है, घटाना घटा सकते हैं, लेकिन विजाती अगर पद दोनों अलग अलग समूह के किताब वस्तुएं हो, अगर उनको जोड़ने के लिए कह दें तो उनको बस बीच में प्लस चिन्ह लगाकर छोड़ देंगे। हम कहते हैं भाई तीन धन चार, तीन किताब, तीन कलम में चार किताब जोड़ेंगे, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे तीन कलम धन चार किताब, ऐसे छोड़ देंगे आप, जोड़ नहीं सकते, सात नहीं कह सकते, सात कलम किताब कहना हमारा सही नहीं है, वो हम नहीं कह सकते कुछ। इसलिए हम बस आगे बढ़े, तो हमने इसी तरह आपको बताया, जैसे इस एक पद एक व्यंजक लिखे हम, अभी कल हमने बताया भी था, देखिए हमने सजाती विजाती की थोड़ा सा बात क्लियर की, थोड़ा इस पर कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले जैसे हम ये कह रहे हैं छांटने की बात, थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस टू एक्स वाई प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम कहते हैं भाई इसमें सजातीय पद कौन कौन से, विजातीय पद कौन कौन से छांटी है। आप देखिए इसमें पहले हम पद की पहचान करें कौन कौन पद होते हैं। तो थ्री एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो हमने बोला कि पद की पहचान करने के लिए क्या देखते हैं, धन और ऋण चिन्ह। तो देखो यहां से चलेंगे थ्री एक्स स्क्वायर धन आ गया, एक पद ही बन गया। फिर देखो टू एक्स वाई आ गया, फिर प्लस चिन्ह एक पद हमारा ही बन गया। फिर देखो यहां पर सेवन एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहां ऋण आ गया, एक पद ही बन गया आपका। फिर फाइव एक्स स्क्वायर, फिर एक पद बन गया। फिर आ गया प्लस, फिर एक पद बन जाएगा, फिर प्लस, फिर एक पद बन जाएगा। अर्थात टोटल पद कितने में आपके, एक दो तीन चार पांच छ, छह पद बने हमारे। और हम कहते हैं भाई इन छहों पदों में कौन कौन पद सजाती है, कौन बिजाती है। तो देखो हम बताएं कि सजाती बिजाती पद पहचानने के लिए चर देखो, उसकी घात देखते हैं, जो चर राशि एक्स वाई जो भी चर है। मैंने कल अगले अगर आप यक चर नहीं समझ पा रहे हैं चर अचर क्या होते हैं, तो बल्कि कल की क्लास को देखे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए, पिछला वीडियो भी देख लीजिए, चर अचर समझ में आ जाए क्या होता है, कल हमने उस पर चर्चा किया था आपका पिछली क्लास में। अब देखिए तो हम बोले भाई चर की घात देखते हैं, चर देखते हैं। तो यहाँ देखो चर क्या है आपका, यक से घात दो है। क्या ऐसा कोई पद इसमें दिख रहा है क्या जिसमें चर यक्स हो घात उसका दो लिखा गया, बेस कह सकते हैं यक्स है उसका घात दो। देखो यहां पर दिख रहा है आपका, तो थ्री एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स स्क्वायर कैसे पद कहलाएंगे, सजाती पद कहलाएंगे। और हम इसमें कहीं देखें कहीं नहीं है, तो इसमें ए दोनों आपके कैसे पद है, सजाती पद है। हम कह रहे हैं टू एक्स वाई और इसके समूह का देखो कोई मिल रहा है, इसमें चर क्या है यक्स है वाई दो आपके बेस है चर है और घात कितने दोनों के एक है। इसमें देखो यहां पर दिख रहा है थ्री एक्स वाई है और घात दोनों का एक है, तो हम क्या कह देंगे टू एक्स वाई प्लस में जो टू एक्स वाई और प्लस में थ्री एक्स वाई दोनों हमारा पद कैसे कहलाएंगे, सजाती पद कहलाएंगे। ऐसे देखिए हम ए सेवन एक्स स्क्वायर वाई और कहीं देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है क्या, कहीं नहीं है। अर्थात हमें क्या कह देंगे ये हमारा क्या है आपका विजाती पद है। और हम क्या कह सकते हैं, हम देखिए इसमें आपके जो है आगे बात करेंगे तो हमने बात के लिए किसका यह है, और यहां देखो वाई स्क्वायर लास्ट दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर इसमें और कहीं पद है ही नहीं, वाई घात दो वाला पद कहीं नहीं है ऐसा। अर्थात ये भी आपका क्या अलग पद है, विजाती पद है, इस जाति का कोई इसमें पद शामिल नहीं है। अगर हम कह दें इसी कह दें जोड़िए या इसको हल कीजिए, ऐसा कुछ कह दें, इसको हल करने के लिए सरल करने के लिए कह दें, तो हम क्या करते हैं, सरल करने का मतलब सजातीय पदों को एक साथ जोड़ या घटा करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे, जो वहीं आएगा उसका सलूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो अब हम कह दें इसको जोड़ने के लिए कह दें थ्री एक्स स्क्वायर वाई थ्री एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स स्क्वायर, तो हमने कल देखिए भी बताया था आपको ये आपका धन कोई चिन्ह नहीं धन है, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, तो ऋण धन पहले एक साथ करेंगे बात, पहले हम लिख लेंगे पहले कर ले तो बात करते हैं। ये देखो इस पद को साथ इसके यहां लिखेंगे तो क्या होगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस टू एक्स वाई है इस जात का यहाँ पर है तो प्लस थ्री एक्स वाई कह लेंगे। अब आगे बात करें हम प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई फिर क्या कह देंगे प्लस वाई स्क्वायर। हमने इसमें सजातीय पदों को एक साथ लिखते हुए पूरे व्यंजक को लिख दिया। अब यहां से बात करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या करेंगे आपके ये धन है तो घटेंगे, तो घटेंगे तो पांच एक्स स्क्वायर में से तीन एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा टू एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि इसमें माइनस वाला चिन्ह पड़ा है, पांच एक्स स्क्वायर है यहाँ तीन एक्स स्क्वायर के लिए माइनस चिन्ह लग जाएगा। यहाँ देखिए टू एक्स वाई है प्लस थ्री एक्स वाई, धन ये भी जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो यहाँ पर एक्स वाई कितना आपका दो जो है यहाँ तीन जो और इसमें शामिल कर लेंगे तो होगा कितना आपका पांच एक्स वाई। फिर देखो धन सात एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए इसको सरल करने के लिए कहेगा, ऐसे हम करेंगे। अब इस पर आपके जो सिलेबस में कुछ क्वेश्चन है इस पर हम आपको करा दें इस रूल पर जो हमने बताया है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले दो चार सवाल इस पर आपकी किताब का हम लिख देते हैं। देखिए आपके सिलेबस का ये हमने तीन क्वेश्चन लिखा है और ऐसे बहुत सारे सिलेबस आपके जो कई सवाल हैं इसमें लगभग सवाल है आपकी जो है
ये 25 सवाले हैं, तो हमने इसी से 3 लिखा है और इसी टाइप के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत कठिन नहीं है, आसान है, बस थोड़ा समझने की बात है। और देखिए आज हम बातें करें, इसको भी सरल करना है, हमारा प्रश्न क्या है, इसको हल करना है, सरल करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 3a² b है। अब देखो इसके समूह, इसके जाति का कोई है, इसने एक पद क्या उसी के साथ जुड़े घटेगा, आपको हमने बता दिया भी। तो ए स्क्वायर बी वाला पद जब कहीं पर है, इसमें a तो है नहीं, तो ए भी है, यहां देखो ए स्क्वायर भी दिख रहा है। तो ए पद और ए पद हमारा क्या हो गया, सजाती पद है, एक साथ हम लिख सकते हैं इनको। और देखिए यहां भी है, सॉरी यहां भी है, तीन पद, ए भी है, ए स्क्वायर भी यहां है, तो इन तीनों पदों को एक साथ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए 3a² b माइनस 2a² b फिर माइनस 2a² b सॉरी 2a² b, ये तीनों सजातीय पदों को हमने एक साथ लिखा। और देखो अगर चले देखें माइनस 2ab, इसके सजातीय पद कौन कौन है, देखो 3ab है यहां पर माइनस, यहां प्लस ए भी है, तो ये तीनों हमारा क्या है, आपस में तीनों सजातीय पद हो गए हमारे जो हमने ऊपर ट्रिक किया। तो अब इसमें देखेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस 2ab माइनस 3ab और इसके बाद प्लस ए भी। अब अगर हम इनको देखें तो देखें यहां से क्या होगा, ए स्क्वायर बी, ए दोनों तो माइनस में, ए माइनस ए जुड़ेगा आपका भाई, दोनों रीढ़ समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह रीढ़ का ही लगेगा। तो इसको भी एक बार पहले लिख लें, 3a² b माइनस 2a² b माइनस 2a² b, 4a² b हो जाएगा और किसमें, रीढ़ चिन्ह में होगा। और यहां देखो इस तरह इसमें माइनस 2ab माइनस 3ab, ab में भी एक जाति के जुड़ जाएंगे, तो माइनस के साथ क्या लिखेंगे, 3ab और 2ab करेंगे तो 5ab हो जाएगा और प्लस ab। अब देखिए यहां से अभी तो दोनों एक जाति के हैं, दोनों सजाती पद हैं, जब सजाती पद होंगे तो एक साथ इनको घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 3a² b में से अगर 4a² b आप घटा देंगे तो क्या होगा आपका, a² b, और चिन्ह इसमें किसका बड़ा है, बड़ा वाले के 4 है यहाँ पर, तो माइनस लग जाएगा। और इसमें देखिए ए भी घटेगा आपका, ये प्लस माइनस 5ab प्लस, तो प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 4ab और चिन्ह इसमें ऋण का होगा क्योंकि ऋण वाला चिन्ह बड़ा है। तो देखो हमारा ए आपका सिंप्लीफिकेशन, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा NS हो गया। अगर इसको सरल करेंगे आप यही आएगा। ऐसे में दूसरा प्रश्न रखते हैं, देखिए 230m यम हमने बोला कि सजाती पद पहचान कैसे करते हैं, च और घा से, तो च तो यम है, घा एक है, देखो इसमें और कहीं, यहाँ पर है आपका ए, और तो कहीं नहीं, और सब अलग अलग पर है। तो चले तो 230m और आपका माइनस 75m, इसको हम एक साथ ले लेंगे क्योंकि हमारा सजाती पद है। और देखिए पी वाला 472p, तो पी वाला पद इसमें और क्या है, सजाती पद देख लीजिए, यहाँ है और यहाँ है आपका, इन दोनों को हम एक साथ ले लें, ए वाला पद और ए वाला पद, कितना होगा 472p माइनस 141p। अब देखो ये भी हो गया आपका, अब अदर पद कौन है, अदर सजाती पद कौन है, 320n है, यहाँ 180n है, ये माइनस में तो माइनस लिखेंगे, 320n प्लस 180n। अब इसमें हम एक साथ जो है सजाती पदों को जोड़ते घटाते सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ देखो प्लस 230 है, यहाँ माइनस 70 है, तो ये प्लस से माइनस में घट जाएगा, घटेगा कितना, घटाइए 230 में से अगर कैसे घटाएंगे कितना होगा, ये होगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 12, 12 में से 7 जाएगा 8, सॉरी 12 में 7 जाएगा 5 और ये हो गया 155 ही हो गया। ये घटा कर देखिए 472 में से 141 घटाएंगे तो हो गया ये आपका एक, ये हो गया 3, ये हो गया 3, चिन्ह कौन इसमें बढ़ा है आपका प्लस का, इसमें प्लस चिन्ह है तो पहले हम प्लस लगाते नहीं, पहले पद पर प्लस अगर पहले पद पर आ जाए लेकर के तो हम नहीं लिखते हैं, तो हमारा प्लस में आ गया, यहाँ लिखे हमने लिखे पहले प्लस होता है, यहाँ बीच में आ रहा था लिखना पड़ेगा आपका, तो कितना होगा 331 थी, यहाँ देखिए आप घटेगा यहाँ से घटा देंगे कितना होगा 0, 12 में से आ जाएगा 4, यहाँ बचा 2, 2 में से जाएगा 1,
और चिन्ह कौन बड़ा है इसमें, माइनस वाला तो लग जाएगा। और क्या आपका यार ए देखो इसका सरल रूप या इसका आंसर ये आ गया हमारा। ऐसे में तीसरा प्रश्न रखे आपके सामने 13f, इसमें देखो इस f वाले से वो कौन पद है, यहाँ है यहाँ है, एक साथ देखिए इसको हम 13f है माइनस 16f प्लस 7f, एक जाति के पर अलग देखो प्लस 40g ए प्लस 2g माइनस 17g, ये सब हमारे एक जाति वाले पद हैं, एक समूह के पद हैं और अलग जो थे मैंने एक समूह के साथ एक साथ लिख लिया हमने। अब देखिए इसमें पहले प्लस ए है प्लस ए है, दो प्लस है जुड़ जाएंगे तो 13 में 7 अगर जोड़े में कितना हो गया 20 और यह होगा क्योंकि यदि में घटाना पड़ेगा तो हम अगले स्टेप में करते हैं, तो इसको तो ऐसे लिख लिया हमें घटाने के बाद को जो है। और ये देखो 40 भी और प्लस दो ये भी प्लस है जुड़ जाएगा प्लस प्लस कितना होगा आपका ये हो जाएगा 42 जी। और इसके बाद देखिए माइनस 17 जी हल करते हैं 20 जी में से 16 घटा देंगे सॉरी 20 यफ में से ये भी दोनों एक समूह के हैं ये भी जाति है सजाती पद है तो क्या करेंगे 20 यफ में से अगर 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 यफ बन जाएगा। और यहां से देखिए 42 17 घटा देंगे कितना आएगा हमारा हो गया 12 में से 7 जाएगा 5 यहाँ कितना बचा 3 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा 2 तो 25 हो जाएगा प्लस चिन्ह बड़ा ये आ गया हमारा। ये आपके सिंप्लीफिकेशन व्यंजक का है ऐसे सरल करते हैं ऐसे आपके सिलेबस में कर देंगे उसमें तो बहुत सारे सवाल इस पर मिलेंगे तो इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा कहीं आपको दिक्कत होगी कमेंट करके बता दीजिए। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं अगला टॉपिक हमारा देखिए जो है थोड़ा हम घात की बात करते हैं पावर के घातांक के कुछ नियम है घात फिर हम बात करें और जनरली सामान्यतः जो है जनरल बात ही करेंगे हम तो क्या होगा हमारा देखिए पहले पावर बमता के थोड़ा बात करें जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कह दें ए का गुणा करें ए में तो अभी हमने बताया जैसे ए केवल सिंगल ए की बात करें तो इसका ए क्या है इसका ए इसका आधार कहलाता है हमने पीछे बताया मेरी क्लास में आपको ए एक आधार कहलाता है और इसका घात जो है एक कुछ नहीं तो घात एक होता है इसका यहाँ घात एक है इसे हम ऐसे लिख दें ए क्यूब लिख दें तो ए इसका आधार बी इसका घात हो गया लेकिन ये होता कैसे हम ये बात बस करें तो देखिए यहां से अगर बात करें ए और ए इसके बीच मुझे गुणा करना है और गुणा करना है तो गुणा करते समय हम घात रूप में लिखते हैं जैसे घात कितना है एक है इसका घात एक है तो ए गुणे ए करेंगे तो एक ए में ए जोड़ देंगे कितना होगा एक प्लस एक बराबर क्या होगा ए पर घात दो या हम ऐसे कह दें कि अगर ए गुणे ए दो बार है तो क्या लिख देंगे ए पर घात दो ऐसा नहीं कि ए गुणे बी है तो ए बी पर घात दो लिख दें नहीं ऐसा बात नहीं है ये गलत हमारा क्योंकि इसमें ए एक बार बी एक बार दोनों सिंगल बार ही होंगे ऐसा नहीं घात खाली दो अक्षर दो हो जाएगा नहीं तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि हम घात जो है जब आधार बराबर हो आधार एक ही हो और घात अगर जितने होंगे उनको जोड़ देंगे तो पावर रूप में मुझे मिल जाते हैं जैसे हम कहते हैं ए स्क्वायर है गुणा करना है एक पावर फोर से तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ए स्क्वायर अगर एक पावर फोर गुणा करेंगे तो ए पकाते कितना होगा दो ए है चार इसमें और घात में मिल जाएगा ए पकाते छह हो जाएगा ये होता है हम ए कह लें ए गुणे ए गुणे ए क्यूब कह लें या ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कह लें ऐसे हम कह लें इसका मान कितना है देखो इसका सबका आधार ए ही है ए भी ए है ये भी ए है सब ए है ए पकाते कितना होगा या एक ए दो एक तीन सबको जोड़ देंगे एक धन दो धन तीन अर्थात ए पकाते कितना हो गया छे ऐसे होता है हमारा घात का मतलब क्या होता है कि सजातीय एक ही आधार के कई पदों का आपस में गुणा कर दें तो जितने पद होंगे उसका पावर आपस में क्या होता है आपका जुड़ जाते हैं ये हमारा घात का मतलब होता है। तो जनरली इस बात की पावर की बात करें तो ऐसे हम काम करते हैं इसका। अब देखें थोड़ा इसकी हम बात करें ऐसे जैसे जनरली व्यापक बात करें ए पकाते हैं हम गुड़े ए पकाते हैं तो इसको क्या लिखेंगे ए पकाते हैं हम जोड़ देंगे। दूसरी बात ये करते हैं ए पकाते हैं हम बटे ए पकाते हैं
एक बात थोड़ा से मतलब समझे, इसे 1/a का n लिखा गया, a चूंकि अंश में एक है, हर में a/n, तो अगर हम इसको क्या करेंगे a/n को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, अगर नीचे प्लस घात है इसका तो ऊपर जाने में घात माइनस हो जाएगा। अगर इसको एक गुणे लिखने कोई मतलब नहीं, जानते हैं एक गुणे पांच लिखने का मतलब पांच ही होता है, इसलिए यहाँ पर एक का गुणा भी ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, बस जाए ऊपर करने पर घात का चिन्ह बदल देंगे। ऐसे लिखा हुआ होता a/n, तो हम ये कहेंगे कि अगर इसको ऊपर ले चलेंगे a/n को तो प्लस में हो जाएगा, a/+ बन जाएगा। ये हमारा रूल होते हैं जानते हैं कि आधार से सॉरी हर से अंश ले जाने पर उस पद का या व्यंजक का जो घात होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस कहते हैं, माइनस रहेगा तो प्लस। अब यहाँ देखिए हम करेंगे तो होगा a/m और फिर इंटू a क्या होगा a/-m, अब यहाँ से करेंगे इसको a क्या बन जाएगा a/m-m, क्यों इसमें जोड़ेंगे अपन ये लिख लें ऐसे a/m+-m करें एक लाइन और लिखेंगे तो क्या होगा a/m-m अर्थात a/m/a/n होगा, उसको हम ऐसे लिखते हैं a/m-m। अब थोड़ा आगे और कुछ बात कर लें, जैसे ऐसे लिखा गया हो कुछ और रूल की बात करें इसका हम घात की, तीसरी बात देख रहे समय लिख दें a(b) पूरा घाते हैं, तो ये दो पद है, दो इसमें व्यंजक है, एक a दूसरा b, दोनों का गुणनफल का घात है, अगर इसको हम लिखेंगे तो a/n(x) मतलब घातन इसकी भी घात आ जाएगा और घातन इसका भी होगा b/n। अगले रूल की बात करते हैं हम चौथे a/b होल घाते अगर n हो तो हम इसको क्या करेंगे वही बात, इसका भी घातन होगा बटे में भी घातन होगा a/n/b/n। तो ये जनरली हमारा जो है घात के नियम के कुछ रूल हैं जो ऐसे होते हैं, थोड़ा इनको पढ़ें, इन पर सवालों की बात होती है तो हम कल सवाल की चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, बस धन्यवाद।